नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर निशा देख रहे हैं। हाजिर है हम रोज की तरह मौसम अपडेट लेकर, वेदर अपडेट लेकर। कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम का हाल और कैसा रहेगा बिहार का मौसम का हाल? सर्द पछुआ हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। बिहार में आए दिन जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिसंबर का महीना शुरुआत हो चुका है और ऐसे में कुहासे की मोटी चादर से पूरा बिहार लिपटा हुआ है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन कोहरे और धुंध ने भी जो है बिहार में कहर बरपा रहा है। लोगों को जो है सड़कों पर चलने में परेशानी हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार कम हो चुकी है। कोहरे की वजह से जो है कई विमानें जो है वो लेट हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। कई ट्रेनें भी जो है वो रद्द हो चुकी है। हालांकि जब लोग घर से बाहर निकल रहे तो गर्म कपड़ा पहनकर जो है घर से बाहर निकल रहे। लगातार मौसम विभाग अपडेट जारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो है बिहार के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। लगातार बिहार में तापमान जो है गिर रहे हैं। ठंड जो है वो अब लोगों को सताने लगा है। बिहार में अब ठंड में इजाफा होने लगी है। मौसमविदों के अनुसार पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और पछुआ हवा के प्रभाव ठंड से ऐसे बढ़ोतरी हुई है, जैसे मौसमविदों के अनुसार अब क्रमशः तापमान में कमी की स्थिति बिहार में बन रही है। सुबह और शाम में ठंड की बढ़ोतरी का असर बिहार में दिख रहा है। रविवार को बिहार में सर्वाधिक ठंडी रात रोहतास के डेहरी में रही, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। पटना के न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की कमी आई है और यहां न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ पटना का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में राज्य में कुछ जगहों पर आंशिक तो कहीं घने कोहरे की स्थिति बन रही है। सोमवार की सुबह भी यानी आज की सुबह भी बिहार के कई हिस्सों में कोहरे छाया रहेगा और लोगों को ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी बिहार में घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा शीतलहरी चलने की भी उम्मीद है। रविवार को अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा कमी शेखपुरा में 2.9 डिग्री सेल्सियस, मधेपुरा में 2.3 डिग्री सेल्सियस, मोतिहारी में 1.3 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 1.6 डिग्री सेल्सियस, भोजपुर में 2.1 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 1.7 डिग्री सेल्सियस, गया में 1.5 डिग्री सेल्सियस, वैशाली में 1.4 डिग्री सेल्सियस की तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई। अब लगातार जो है बिहार में ठंड का सितम जारी है। लोग जो है ठंड से परेशान है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर यानी साल का अंत महीना और साल का यह वह महीना होता है जिसकी यानी दिसंबर वह महीना होता है जिसकी हर सुबह कुहासे की मोटी चादर से लिपटी होती है। और बिहार में ऐसा ही कुछ हो रहा है। बिहार के कई जिलों में जो है कुहासे कहर बरपा रहा है, जिसको लेकर जो है मौसम विभाग नवंबर से ही लगातार जो है अलर्ट जारी कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में जो है कोहरे और धुंध जो है वो परेशान करेगी। हालांकि लगातार जब बिहार में तापमान गिर रहा है तो ठंड भी बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, घर में रजाई कंबल निकाल चुके हैं। लगातार बिहार का तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लोगों को ठंड परेशान कर रहा है। लगातार पछुआ हवा जो है लोगों को परेशानी बढ़ा रहा है। धीरे धीरे पछुआ हवा जो है असर दिखाना शुरू कर दिया है। पछुआ हवा के कारण बिहार के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग लोगों को चेतावनी जारी कर रही है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से बिहार के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसका असर जो है विमानों पर पड़ रहा है, रेलवे पर पड़ रहा है। लगातार रेलवे ने कई ट्रेनें जो है वो कैंसिल कर दिया, कई विमानें जो है वो उसका रूट बदला गया, कई विमानें रद्द किया गया। लगातार बिहार में कोहरे और धुंध के साथ साथ जो है ठंड का सितम जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर निशा।